लाल की जय। बड़ोत के भक्त वृंद की जय श्री राम। जय हरे कृष्ण। ये, ये, ये इतने सुंदर ये क्या किसने दिया है? कारपेट कहाँ से आए? हम किसने दिया कारपेट है? उमा दीदी ने दी। बोले उमा दीदी की। हाँ भक्त लोग बैठेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। माता जी कहाँ जा रहे हो तुम? कथा सुन के जाओ। तुम लोग पागल है, बैठो यहाँ। प्रसाद 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 बना हुआ सब प्रसाद लेकर जाना। बैठ बैठ जाओ, ऊपर बैठो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तुमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कर्णिकापदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धुजगत्पते गोपीसह गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभातु ठाकरे। बोलो बोलो हरि कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथाजुग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, जो ग्रंथ का नाम है माधुर्य कादंबिनी। क्या नाम है? हाँ, कदि ये इसका मतलब क्या है? कहते माधुर्य कादंबिनी मतलब होता है, जैसे माधुर्य मतलब होता है मधुरिमा बा सुंदरता, कादंबिनी मतलब होता है जैसे आकाश में जैसे बारिश आ जाए ना, हैं इसको ये बादलों को कहते हैं कादंबिनी। जैसे गर्मी का जब समय आए, आपको पता होगा इधर कितना गर्मी पड़ता है। अभी गर्मी से सबके सब लोग क्या हो जाता है, गर्मी से एकदम हतस्तत्र हो जाते हैं, परेशानी हो जाती है। लेकिन जब मानसून आती है ना, लोग खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना मानसून आने पर, भैया मानसून आ रहा है, सब खुश हो जाते हैं। क्यों? सबके सब गरीब में सबके सब परेशानी हो गए थे। कहते उसी तरह हम भी संसार में बहुत परेशानी हमारी है, हैं? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई शरीर से दुखी, कोई परिवार, सब चीज हम दुखी दुखी संसार में। लेकिन कहते भगवान की जो कृपा, जैसे देखना अभी बारिश आई नहीं, मानसून आने वाले हैं,
जब आकाश में काला मेघ छा जाती है ना, मानो यहाँ बारिश नहीं हुई, जैसे अभी ठंडा तो यहाँ पर पड़ी नहीं लेकिन कहीं बर्फ पड़ा हुआ है, उसकी देखना सवेरे से कितनी ठंडा ठंडी लगती है। अभी बर्फ तो कहाँ और कहीं पड़ा हुआ लेकिन उसकी ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर भी आ गई है। सवेरे आज ठंडी थी ना, आज ठंडी थी, कहते उसी तरह अभी बारिश तो हुई नहीं लेकिन देखना आकाश में जब काला मेघ छा जाती है, कहीं अगर बारिश हो जाए, जब उसकी ठंडी 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 हवा आती है, हम लोग खुश हो जाते हैं, लगता है और कोई मानसून आ गया। इसका मतलब यहाँ भी धीरे 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 मानसून यहाँ पर भी आ जाएगी है। इसलिए उन्होंने ये ग्रंथ का नाम रखा माधुर्य। माधुर्य मतलब होता है मधुर अथवा मिठा है। इसलिए वो क्या है, बोले भगवान की जो कृपा, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, इसको उदाहरण दिया, यही एक मधुरता है, यही एक मधुरता है। इसलिए हमारे श्री लोचन दास ठाकुर एक सुंदर भजन गाए हैं, वो कहते हैं बोले एला गौर रस नदी कादंबी निहोए भासाई लगौर देश प्रेम बृष्टि दिए होड़ होड़ शब्दे आइला श्री अद्वैत चंद्र जल रस धारा दाए राय रामानंद। उन्होंने उदाहरण दिया है, उन्होंने एलो गौर रस नदी कादंबिनी हुई उदाहरण देते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा है ना उसको उदाहरण दिया है, एलो गौर रस नदी। महाप्रभु कैसे हैं, बोले रस का नदी है महाप्रभु, क्या है रस का नदी, क्योंकि महाप्रभु कौन है, महाप्रभु कौन है, वही राधा कृष्ण ही कलिजुग में अपना भक्ति को देने के लिए, अपना प्रेम को देने के लिए हैं। कृष्ण में कितने माधुरता है, इसलिए कृष्ण को बताए कृष्ण कौन है, बोले अखिल रसामृत मूर्ति, बोले जितने रस का जो स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण चंद्र। इसलिए वेदों में बताए भगवान क्या है, रस वैस, जैसे रसगुल्ला है ना, खाएगी नहीं रसगुल्ला, अब जिधर सिखाओ ना उधर मिठाई मिठाई, उधर मिठाई मिठाई रसगुल्ला, कहते भगवान की जो कृपा है माधुरता है वो पूरा भगवान रसगुल्ला, जैसे जिधर जैसे मिश्री को मीठा को जिधर का उधर ही मीठा है। कहते महाप्रभु भी, कहते वही कृष्ण है श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके आए, इसलिए कहते महाप्रभु का जो कृपा है ना वो मिठाई मिठाई महाप्रभु का श्री कृपा। और महाप्रभु तो कृष्ण से भी ज्यादा दयालु श्री महाप्रभु, क्योंकि कृष्ण क्या किया, थोड़ी सी कंस ने उल्टा पुलटा की, अघासुर बकासुर उल्टा पुलटा किया, तो कृष्ण ने क्या किया, सबको मार डाला, चक्र उठा दिया, चक्र उठा करके सबको उन्होंने खत्म कर दिया। राम भी क्या किया, रावण कुछ उल्टा पुलटा किया तो उठाया धनुष पूरा लंका समेत, 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती खत्म, और लंका में जितने थे सबके सब ठाकुर जी खत्म कर दिए, लेकिन इन्होंने तो सबके सब मारा है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसको मारे नहीं, चैतन्य महाप्रभु किसको मारे नहीं, बोले एबे अस्त्र ना धरिल प्राणे कारी ना मारिल, कहते महाप्रभु इतने दयालु हुए उनने कभी अस्त्र नहीं उठाया, लेकिन एक बार अस्त्र उन्होंने उठा लिया था, बोले कब अस्त्र उठा लिया था, बोलो बोलो, हाँ जगाई माधाई, जब माधाई ने नित्यानंद प्रभु का सर को फोड़ दिया ना, जब महाप्रभु को पता चला, बोले नित्यानंद मेरे अभिन्न है श्री बलदेव प्रभु हैं, और बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु इतने दयालु, इतने दयालु, ऐसे दयालु को उन्होंने सर फोड़ दिया, बोले अभी तुमको दिखाता हूँ, बस उन्होंने सुदर्शन चक्र को उन्होंने स्मरण किया, देखा सचमुच से चक्र आ गया, इतने में मारने जा रही थी जगाई मधाई देख कर तो डर गए, और इतने में नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को चरण पकड़ लिया, बोले प्रभु अपने जब इसी अवतार में आए हो, अपने प्रतिज्ञा करके आए, क्या प्रतिज्ञा करके आए, इसी अवतार में किसको मैं मारूंगा नहीं, किसको मैं नहीं मारूंगा, फिर चक्र क्यों उठा रहे हो, इसलिए आप अगर मेरे ऊपर में कृपा करना चाहते हो ये माधाई को मारो मत, इनको प्रेम दे दो, इनको आप प्रेम दे दो। इसलिए जब उनके चरण में माफी मांगे, बोले तुमने जो बोल रहे हो हैं, तब मैं इसको प्रेम देता हूँ, बोले पहले इनके चरण में माफी मांगो,
नित्यानंद प्रभु को चरण में माफी मांगे, उन्होंने उन्होंने प्रेम दिया। जो उनको प्रेम दिया तो जगाई था, बोले हम दोनों तो एक साथ में सारे पाप कर्म किए, खाए पिए जो कुछ किया हम दोनों मिल करके, अब एक को तो कृपा कर रहे हो, मेरे ऊपर में कृपा नहीं कर रहे, मेरे को भी कृपा करो। महाप्रभु बोले ठीक है, सब दोनों नित्यानंद प्रभु चरण में माफी मांगो। अरे नित्यानंद प्रभु एक बार तुम लोग सबके सब बोलो श्री सच्चिदानंदन गौर हरि की जय, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। इसलिए यहाँ पर कहते हैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इतने दयालु इतने कृपालु, मार खा करके भी उन्होंने प्रेम दिया, किसको उन्होंने मारा नहीं। हाँ, इसलिए हमारे श्री भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमार मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमार मन, नाच रे अमार मन, नाच रे अमार मन, हे मन दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे, अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमार मन। इसलिए कहते हैं मेरा जो मन है महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम को लेकर नाच उठे, बोले ऐसे कहीं दयालु देखे हो जो मार खा करके। कृष्ण राम ने किया क्या, थोड़ी सी कोई उल्टा पुल्टा किया तो उन्होंने चक्र उठा लिया धनुष उठा लिया, लेकिन वहां सर भी फोड़ दिए, बोले भैया तुम भले ही तुम सर फोड़ दिए फोड़ दिए, एक बार तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, एक बार केवल ठाकुर का नाम लो बस तुम्हारे सारे अपराधों को हम माफ कर देंगे, इतने दयालु हुए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं उन्होंने ग्रंथ का नाम रखा माधुर्य। माधुर्य मतलब होता है मधुरता व प्रेम है व सुंदरता चारुता मनोहरिता है। कहते हैं महाप्रभु का कृपा कैसे, यही महाप्रभु का कृपा ही जो आकाश में जैसे मेघ आ जाने पर ठंडी ठंडी हवा बहती है, उसी तरह महाप्रभु का जो कृपा है ना, यही महाप्रभु का कृपा है माधुर्य है। बड़े माधुर्य मतलब बड़े मधुरता है। कहते जो कादंबिनी जो मेघ कैसे हैं, मतलब महाप्रभु का कृपा कैसे है, महाप्रभु का कृपा बड़े मीठा है, महाप्रभु का कृपा बड़े मीठा बड़े मधुरिमा महाप्रभु का। क्यों मधुरिमा महाप्रभु ने, कहते ब्रह्मा वीरिंचिर वांछित जे प्रेम जगते फैली लढाली, कंगाल पाइया खाइल नाचिया बाजाइया कर थाली, हे मान गौरवी नाही हार। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जैसे दयालु और कृपालु कभी तुमने देखा है, इतने कृपालु दयालु कभी देखे हो हैं। इसलिए जो चीज को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव अभी भी लक्ष्मी जिस प्रेम को पाने के लिए अभी भी बेल वन में तपस्या कर रही है, महाप्रभु ने उसको मुक्त हाथों से दिया। बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम की कोई जरूरत नहीं, थोड़ी सी हरि नाम कीर्तन करो और मजरा ढोलकी हो तो अच्छी बात, अगर ये भी नहीं थोड़ा ताली बजा करके क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस इतना ही बोलो बेड़ा पार। और कौन सा प्रेम, बोले ब्रज प्रेम, राधा रानी की दासी है, राधा रानी की दासी पद को प्राप्त करोगे। इसलिए उन्होंने महाप्रभु ने ये ग्रंथ का नाम रखा माधुर्य, कादंबिनी नाम रखा है। कभी ये ग्रंथ में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बात बताए हम कैसे भक्ति जगत में धीरे धीरे कैसे बढ़ सकते हैं, उसमें यहाँ पर बताए। कभी ये ग्रंथ कैसे, एक उदाहरण दिया जैसे दूध है, है? एक बैरोमीटर होता है, कभी ये दूध में कितने पानी और उसमें कितने दूध है, अगर वो मीटर को डाल दो ना वो बता देता है इसमें इतना दूध है और इतने उसमें पानी है। कहते हम जो भगवान की भक्ति करते हैं अभी हमारी भक्ति कितना दूर तक बढ़ा है, भक्ति कितने दूर तक गई, हमारी भक्ति में कितने पानी और कितने दूध पता चल जाए। ये ऐसे एक ग्रंथ था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, जैसे हम साधन अवश्य करते हैं ना, साधन करते हैं, पहले साधन का पहला तीर्थ से श्रद्धा,
उसके बाद जी साधु संग मिलता है, फिर साधु संग से ज्ञान होने पर जैसे भजन करते हैं, भजन करने पर हमारे हृदय में जितने सारे अनर्थ है सब अपराध सब के सब धीरे धीरे दूर हो जाता है, फिर धीरे धीरे रुचि निष्ठा भाव प्रेम, फिर कृष्ण दर्शन होता है, कृष्ण दर्शन होता है। उसी तरह उन्होंने कैसे एक साधक की जो ग्रंथ है वो इतने सुंदर ग्रंथ है, एक साधक कैसे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप कैसे भक्ति जगत में बढ़ेगा ना, इसमें इतने सुंदर बात बताए, बड़ी अच्छी अच्छी बात बताए। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है जो भक्ति है ये एक लता है, जैसे हमने किसी बो दिया किसी वृक्ष को हमने बो दिया, अगर उसमें पानी नहीं देंगे तो कब तक वो फिर रहेगा, गमला में पानी तो रोज देना पड़ता है ना, पानी दोगे धीरे 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 तो लता बढ़ेगी, अगर पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगी, हाँ वो फिर वो सूख जाएगी वो आगे बढ़ेगी नहीं। कहते ये क्या है वो पानी, पानी मतलब होता है श्रवण कीर्तन जले करे सचन, भगवान की जो कथा कीर्तन यही पानी का काम करता है। जैसे घर में रोज झाड़ू बुहार लगाते कि नहीं, जैसे एक दिन देखना घर में झाड़ू बुहार केवल एक दिन मत लगाओ, देखना वहां धूल जम जाती है, एक दिन ही नहीं लगाओ तो उसमें धूल जम जाती है। उसी तरह हमारा हृदय में भी रोज रोज को झाड़ू लगाना पड़ेगा, हृदय को झाड़ू लगाना पड़ेगा। झाड़ू मतलब क्या है, ये सत्संग ही भगवान की कथा ही ये झाड़ू है, इससे ही झाड़ू लगती है। इसलिए बोले नित्यम भागवत सेवया, इसलिए जैसे रोज रोज आप बोले रोज रोज साधु संग कर रोज रोज कथा सुनो, दिन में कितने बार गाते हो बोलो, तीन बार तो हो ही जाता है, नहीं तो कम से कम से कम, नहीं तो बीच बीच में कभी बिस्कुट कभी नमकीन कभी कभी अभी चली जाती है, हैं कभी कभी दूध बीच बीच में चली जाती है, इसलिए कम से कम दो तीन बार तो हम भोजन कर लेते हैं। जैसे रोज रोज हम भोजन करते हैं उसी तरह जो भजन भी है ना इसको भी रोज रोज हमें करनी चाहिए, इसको भी हम नित्यम, इसलिए बोले नित्यम भागवत सेवया, कहते जो भगवान की जो कथा इसको हम क्या करनी चाहिए, नित्य ये कथाओं को श्रवण करनी चाहिए। अगर नित्य अगर ये कथा को सुनेंगे साधन करेंगे तो क्या होगा, फिर ये भक्ति लता तुम्हारी आगे धीरे 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 भक्ति लता ये बढ़ते जाएगी, फिर अगर नहीं करोगे तो फिर वही के वही के रह जाएगी, नहीं तो कुछ दिन बाद तो सूख भी जाती है, सूख जाती ना पानी मत दो तो सूख जाती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो जो भक्ति के ना तीन स्टेजेस है, क्या है तीन, कहते पहले साधन है, दूसरे भाव है और तीसरे ये प्रेम, ये इसकी तीन स्टेज है। कहते भक्ति का जो पहला जो स्टेज है, कहते जब भक्ति सचमुच से अगर जीवन में कोई भगवान की भक्ति करता है, कहते हर स्टेज को हमने दो दो लक्षण बताए, पहले साधन में भी दो स्टेज जो लक्षण है, भाव में भी दो लक्षण और प्रेम में भी दो लक्षण है। कहते जब साधन करते हैं उसका सही सही अगर कोई साधन करे उसमें क्या लक्षण है, साधन करने का क्या लक्षण है बोलो, क्लेशग्नि और सुभदा। बोले क्लेशग्नि सुभदा मतलब क्या है, अगर हम सही सही भजन करेंगे, हमारे भजन में कोई खोट नहीं हो, निष्कपट हो करके निष्काम हो करके अगर भजन करोगे तो कहते जरूर उसमें दो लक्षण मिलेगा। बोले क्या लक्षण, पहला लक्षण क्लेशग्नि, क्लेशग्नि मतलब जितनी तुम्हारी दुख कष्ट है, कितना सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब हम साधन अवस्था करेंगे उसमें जितने तरह का क्लेश बीज कूट तरह तरह का जो प्रारब्ध अप्रारब्ध मतलब पूर्व जन्म का जितने पाप है जो आगे भोगना है, कहती है जितने तुम्हारी वासना ये सब के सब अगर सही सही साधन हो, साधन ऐसे नहीं थोड़ी हो गया तो माला जप कर लिया फिर दिन भर टीवी देख रहे नहीं तो स्मार्टफोन लगा कर बैठे हुए नहीं तो बेटी बहू की बात करते, ऐसे नहीं होगा। साधन सही सही साधन होनी चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज ने साधन किया ना, उनने छह महीना में ठाकुर मिले कि नहीं, है छह महीना में ठाकुर मिले, जब एक बार वो भोजन करके बैठते थे तीन दिन तक कंटिन्यू भजन करते थे कंटिन्यू, उसमें हाँ जैसे कोई शहद को ऐसे डालो ना देखना उसमें एक धागा बन जाती है, हाँ उसमें एक धागा बन जाती है। इनकी जो साधन तीन दिन तक एकदम कुछ नहीं खाना नहीं पैखाना नहीं जाना नहीं एक जगह में बैठ कर भजन करते थे, लेकिन हम क्या है एक माला जप करने के लिए बैठे तो हजार बार फोन आ गया नहीं तो इधर बात कर लिया तुम कैसे हो क्या हो रही है, हाँ एक माला भी ठीक से हम जप
नहीं करते। हम कभी कभी कहते हम भगवान मिले नहीं। अरे भगवान मिले कैसे, तुम साधन कैसे कर रहे हो, साधन तुम्हारी कैसे हो रही है? हाँ, इसलिए साधन तभी ये सब अनर्थ खत्म होगी जब साधन हमारी श्री नैरंतर जमयी तैल धरावत। उदार गुरु जी उदाहरण देते से जैसे शहद को जैसे डालो उसमें एक धागा बनी जाती है, ऐसे हमारी साधन, हमारी ऐसे साधन होनी चाहिए। पूरा मंत्र साधन की वह शरीर पतन। जब गुरुदेव कभी भ्रमण करते करते जब ध्रुव टीला पर गए, हम गुरु जी के साथ में गए थे, वहां पर एक संत बैठ करके भजन करते थे। वो इसलिए वहां बैठ कर भजन कर रहे थे, यहीं पर ध्रुव जी ने 6 महीना में ठाकुर का दर्शन किया। इसी भाव से यहाँ पर मेरे को भी ठाकुर जी दर्शन दे। जब बड़े गुरु जी गए थे, हम भी गुरु जी को पास में साथ में गए थे, बोले गुरु जी यहीं पर ध्रुव जी ने तपस्या करके उन्होंने भगवत प्राप्ति की, मैं भी इसी लालसा से यहाँ पर भजन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो मेरे को प्रभु मिले ही नहीं, कितना दिन हो गया। तो गुरुदेव एक अच्छे उदाहरण दिया, बोले देखो जब साधन करते करते तुम्हारी ये अवस्था हो जाए, ठाकुर के दर्शन के बगैर ये प्राण पखरी उड़ जाएगी, जब तुम्हारी प्राण ये होठ पर आ जाए, अगर आप ठाकुर जी के दर्शन नहीं मिलेगा तो प्राण को हम त्याग दे देंगे, हैं? जब ऐसे हो जाए ना, फिर ठाकुर जी का दर्शन तुम्हें, तब भी ठाकुर का दर्शन तुम्हारी होगा। इसलिए अगर हमारे अंदर में ऐसे भावना आए, हाँ एक दिन ठाकुर ही सचमुच से हमें भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन हो सचमुच से, अगर सही सही साधन भजन करना तभी तो ठाकुर का दर्शन मिलेगा। इसलिए बोले जो सही सही साधन करते हैं, कहते अगर सही उसको सारे दुख कष्ट उसकी दूर हो जाएगी, उसमें दो पता निकलेगा। जैसे आप लोग देखना, जैसे आप कोई पेड़ बोते हो ना, कोई पेड़ लगाया जिंदगी में, मिट्टी में लगाए पेड़, कौन कौन लगाए पेड़ कभी मिट्टी में? आप देखना जब मिट्टी में पेड़ कोई बीज बोगे ना, पहले एक अंकुर आएगा, है एक अंकुर, अंकुर के बाद में आप देखना उसके बाद में पहले दो पत्ते निकलेगा, क्या निकलेगा? दो पत्ता। जब दो पत्ते देखोगे नजर करके देखना, एक तो पत्ता देखना खसखस लगता है एक साइड, और दूसरे साइड देखना मुलायम होता है, है? उसमें एक साइड मुलायम, इसलिए कहते हैं दो पत्ते किए हैं। जब सही सही साधन करेंगे ये दो पत्ते हैं क्लेशग्नि और सुभदा, जीवन का जितने दुख कष्ट खत्म हो जाएगी। सुभदा मतलब है सब जगह में तुम्हारी जयकार होगी, कभी तुम्हारी कभी पराजय कभी नहीं होगी, और जगत में इतने तुम्हारी नाम होगी, जगत में इतने तुम्हारी प्रशंसा होगी, सारा दुनिया तुम्हारी जय जयकार करने लग जाएगी। देखो मीरा ने कहीं अपना नाम को थोड़ी प्रचार की, मीरा के नाम दुनिया में हो रहे कि नहीं? हनुमान जी ने थोड़ी अपना नाम को कहीं प्रचार किया, हनुमान हनुमान हमें पूजा करो, किसी ने किया है? लेकिन सारी दुनिया में इनकी पूजा हो रही कि नहीं? तुलसीदास ने कभी अपने नाम को प्रचार किया है? कुछ नहीं किया, केवल ठाकुर को भजन ही थी किया, तो सारा दुनिया में इनकी पूजा हो रही है। इसलिए अगर सही से हम भी भजन करेंगे ना, सही सही सारा दुनिया में हमारे भी पूजा होगी। हम क्यों अपना गुरु जी को पूजा क्यों कर रहे हैं? कारण क्या? कारण है गुरु जी ने भजन किया है, गुरु जी ने भक्ति किया, भजन किया, तभी गुरु जी की सर्व जगह पर जय जयकार हो रहा है। इसलिए बोले क्लेशग्नि सुभदा, कहती ये साधन की दो उसकी गुण है, हाँ उसकी दो लक्षण है। बोले जब ऊपर में जाओगे भावावस्था में, उसका भी दो लक्षण क्या क्या है? हाँ इसमें बताए सुदुर्लभा। सुदुर्लभा मतलब है, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कि जो भक्ति है ना बड़ा दुर्लभ है, बड़े दुर्लभ है भक्ति। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, सुदुर्लभ प्रसन्त आत्मा कोटि सोपि मामने, करोड़ों करोड़ में कोई एक विरल व्यक्ति मेरे भक्ति में आए थे। जैसे बड़ौदा में बताओ कितने व्यक्ति है, कितने व्यक्ति होंगे बड़ौदा में? बहुत होंगे, लेकिन आप लोग कितने यहाँ आते हैं? आप जितने आते हो ना इन्हें गिने आते हो, हैं? इसलिए जितने आप आते हो समझना आप बड़े सौभाग्यवान। कृष्ण खुद कहते हैं करोड़ों करोड़ में कोई एक विरल व्यक्ति होगा जो कि मेरे भक्ति में आएगा। एक उदाहरण दिया, नदी में प्रभाय जनक काष्ठ लागे थे। आप कभी बाढ़ देखे हो? कभी बाढ़ देखे होंगे, जैसे बाढ़ में देखना जो पानी जैसे बाढ़ आती है उसमें कितने उसमें हैं, उसमें कितने उसमें पत्ता कूड़े सब के सब बहते बहते जाती हैं, लकड़ी पकड़ी बहते जाती हैं, कितने बहते हुए जाते हैं,
एकदम जागरे समुद्र मिल जाते। लेकिन कहते नदी भी प्रवाह जनक काष्ट लागे थी, लेकिन हठात देखना इसे बहते बहते कोई लकड़ी आकर के जैसे किसी किनारे में लग गया है, कैसे किसी तरह से किनारे में लग गया। इसलिए भगवान खुद कहते चैतन्य महाप्रभु, उसी तरह संसार में करोड़ों करोड़ जीव संसार में बहते हुए जा रहे, सबके सब मृत्यु का तरफ में जा रहे, सारे मृत्यु का तरफ में जा रहे, मरने के लिए सब जा रहे हैं, सब मरने के लिए जा रहे। हम तो मर ही रहे ना, दिन प्रतिदिन एक दिन हमारी नष्ट होती जा रही, सब मृत्यु का तरफ में जा रहे। लेकिन किसी सौभाग्यवान व्यक्ति क्या होता है, कहीं साधु गुरु वैष्णव और भक्तों की शरण में कोई चले जाते, कोई विरल व्यक्ति। इसलिए आप लोग जो है ना साधारण मत समझना, तुम लोग साधारण हो, जो गले में कंठी माला जो तिलक लगाते हो ना, साधारण मत समझना। कि महाप्रभु स्वयं कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। किसी किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये साधु संग में अच्छी लगती है, भगवान की कथा अच्छी लगती है, भजन अच्छी लगती है। बहुत लोग तो आए भी हमारे पास में, लेकिन आप इने गिने कुछ लोग जो कंटिन्यू थोड़ी सी कंठी में माला तिलक लगाते हो, साधारण व्यक्ति नहीं है जो गला में कंठी तिलक भजन हरिनाम कर रहे हो, बहुत बड़ी सौभाग्यवान व्यक्ति हो है। इसलिए कहते सुदुर्लभा भक्ति, दुर्लभ नहीं बट बहुत बहुत ही दुर्लभ। हाथ में गिनेंगे तो कितना मीराई हुए बताओ जगत में, कितने हनुमान कितने तुलसीदास हुए, कितने सड़ग स्वामी हुए, कितने घुस हुए, बहुत इन्हें गिने हुए, बहुत कम हुए। इसलिए कहते जो भक्ति है ना, बोले ये दुर्लभ नहीं, ये अत्यंत अत्यंत सुदुर्लभ है। और मोक्ष लघुता कृत, मतलब है जब हृदय में भक्ति आ जाए ना, उसी समय में कहते ये संसार की वस्तु तो चाहता नहीं, बोले ना धनम धन भी नहीं चाहता, जन्म भी नहीं चाहता, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहता है, हैं न सुंदरी कविता वा जगदीश काम है, कोई विद्या बुद्धि कुछ किसी चीज की उसकी इच्छा नहीं होती है। जब हृदय में भगवान भक्ति की भावना आ जाए ना, कहते भक्ति की इतने टेस्ट है, उसमें इतने मधुरता है, हाँ जैसे जीवन में कोई मीठा नहीं खाए गुड़ खाए, पूछा जाए भैया जगत में सबसे बड़ा मीठा क्या, बोले गुड़। लेकिन जो रसगुल्ला लेडी ने चमचम रसमलाई खाए हैं, उसको पूछो भैया आप सबसे मीठा क्या, बोले गुड़ है, पागल गुड़ कोई मीठा होता है, अरे रसमलाई खाए चमचम खाओ देखो कितना मीठा है। इसलिए यहाँ पर बताए भगवान की जो भक्ति है ना, वो इतने स्वाद है, इसमें इतना आनंद है। जब भगवती भक्ति की टेस्ट का विषय होता ना, कि जगत का जितने सारे टेस्ट है वो अपने आप नीचे उतर जाते हैं। सब के सब रघुनाथ दास गोस्वामी के देखो, इंद्र के बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य, पत्नी कैसे अप्सर जैसे पत्नी, लेकिन महाप्रभु भक्ति की चस्का लगी तो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ करके राधा कुंड के बीच में बैठ करके एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। एक बार बोलो जोर करके, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे जब बीच में बैठ कर भजन करते थे क्या होता था, राधा रानी खुद आ करके सर को ऊपर में कपड़े से ढक करके राधा रानी खड़ी रहती थी, उनको छाया करती थी, पास में शेर आकर के पानी पी रहे लेकिन उनको कोई हुदबुद नहीं, उनकी कोई भान ही नहीं। ऐसे भगवान की भक्ति में वो डूबे रहते थे। दिन भर एक चूल मठा पी लिया, हाँ मठा पी लिया, बस मठा पी कर दिन रात भगवान की भक्ति में लगे रहते थे हैं। इसलिए कि जब भक्ति की रस आस्वादन हो ना, फिर जगत का सारे रस उसको सामने फीकी हो जाती है। इसलिए हमारे बिल्लो मंगल कहते हैं, साध्य माधिक चिंता न भवती सर करे कर्कशासी। कहते राधा कृष्ण प्रेम अगर एक बूंद आस्वादन का विषय होना, बोले हे सर करे तुम तो कर्कश हो गया, सरकरा मतलब बहुत जो मीठा लगता है, कर्कश मतलब तुम कड़वा हो गया। बोले द्राक्षा न द्राक्षती, अंगूर का एक रस होता है तो जिसको द्राक्षा रस कहते हैं, बोले तेरे तरफ में कोई देखेगा नहीं। अमृत मृतमसी, बोले अमृत तो मर जा, तो
मर जा, अमृत अतिरिक्त तरफ में कोई देखेगा नहीं है। इसलिए कहते जगत का जितने आनंद है, बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की, बोलो दाऊ भैया की, कृष्ण कन्हैया की, सुभद्रा देवी की, सुदर्शन चक्र की। इसलिए कहते जितने जगत का आनंद उसको सामने सब फीकी पड़ी जाती है, सब फीकी पड़ी जाती है उसको सामने। इसलिए कहते जो भक्ति है ना, ये क्या है, भक्ति सुदुर्लभा अगर तो मोक्ष लघुता क्रीत, जो मुक्ति है वो भी उसको सामने फीकी पड़ जाती है। मुक्ति में इतना आनंद, कितना आनंद जानते हो, जैसे यहाँ पर संसार में भी आनंद है, एक नहीं आनंद है, एक नहीं आनंद आनंद थोड़ा बहुत आनंद है, तभी तो हम संसार में जिंदा है ना। हाँ, थोड़ी थोड़ी आनंद भी, कभी कभी दुख, जैसे रात को बाद में दिन, दिन के बाद में रात आती है, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है, हर समय रात नहीं रहती है, हर समय रात रहती है नहीं, रात बाद में दिन भी आती है। इसलिए दिन हर समय रहता है नहीं, दिन के बाद में रात भी आती है। इसी जीवन में भी सुख आती है, दुख आते हैं, दुख हर समय नहीं रहती है। ये बात कौन कहता है, ये जनक महाराज राम को कह रहे हैं। कहते राम तुमको एक अंतिम उपदेश दे रहा हूँ। जनक महाराज कौन, ब्रह्मज्ञानी, परम ब्रह्मज्ञानी भगवान राम को कहते हैं। बोले अंतिम सूत्र तुमको बता रहा हूँ, आप भी ये सूत्र को ग्रहण करो। कहते ये सूत्र को कोई ग्रहण करेगा तो दुखी नहीं होगा। कहते देख राम, क्योंकि सीता वनवास चली गई, सीता वनवास चली गई, राम प्रभु भी अकेले हैं अभी, एकदम पूरा अयोध्या में क्या आ गया, मचाल जैसे, भूचाल जैसे अयोध्या में आ गई। माता सीता को बोले देख राम, जीवन में अंधकार आती हैं लेकिन अंधकार हर समय नहीं रहता है, अंधकार रात को बाद में भी तीन आती है, तीन हर समय नहीं रहता है, दिन के बाद में क्या आती है, रात भी आती है। इसलिए ये संसार में हर समय अंधकार नहीं रहता, हर समय आलोक नहीं रहता, हर समय किसी ना कुछ बदलता है, इसलिए इसमें घबराने नहीं चाहिए। और एक बात बता रहे थे, कोई कोई व्यक्ति है ना भविष्य को समझना चाहते, मेरा भविष्य क्या, मेरा हाथ रेखा तो देख लो तो क्या भविष्य, देखो वहाँ पर ही भगवान बहुत अच्छी बात बताए। लक्ष्मण और कह रहे हैं, देखो लक्ष्मण जब भगवान राम वनवास जाएंगे ना, ये दशरथ महाराज को पता था, ये बात पता था, सीता भी वनवास जाएगी, राम भी वनवास जाएंगे, सब पता था है, बोले सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात बताई, आप भी ये सूत्र को पकड़ लो फिर जीवन में सुखी हो जाओगे है, ये जीवन में तुम सुखी हो जाओगे। तो एक अच्छी बात उन्होंने ये बताई, बोले देखो भविष्य को जानने के लिए कोशिश मत किया करो, अभी जो स्थिति है तुम्हारी, ये चीज अच्छे तरह समझ लो, अभी जो तुम्हारी स्थिति है, ये स्थिति में तुम क्या करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो होने का वो तो होगा ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकते, रोक सकते जो होने का, देखो ये अच्छे तरह समझ रहे कि नहीं, जो होने का वो होएगा ही, वो हो करके रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकते, जो होने का कोई रोक सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताई वहां पर, भले ये दशरथ महाराज को पता था राम वनवास जाएंगे, क्योंकि दुर्वासा ने उनको सारी बात बताई थी हैं, सीता को पता थी वनवास जाएगी, सीता कौन, लक्ष्मी, सीता लक्ष्मी, लेकिन ये अनहोन को भी वो टाल सकती थी, लेकिन टाली नहीं, लेकिन उन्होंने ये विपत्ति अवस्था में भी उन्होंने कैसे वाल्मीकि आश्रम पर रहे, लव कुश को कैसे जन्म दिया, उनको कैसे बड़ा किया। यहाँ पर कहते हैं ये जो होने का वो होगा ही, लेकिन जो स्थिति तुम्हारे जीवन में आती है वो स्थिति में तुम अपना जीवन को कैसे बिताते हो इसको पर निर्भर करता है, इसको पर निर्भर करता है। तुम्हारी अनहोनी आने पर भी ऐसे नहीं कुछ विचलित तो होकर के कोई उल्टा पुल्टा काम कर डाले इधर उधर, नहीं, जिस समय कोई विपत्ति आती है उसी अवस्था को आप कैसे हैंडल करते हो उसको पर निर्भर करता है। जैसे भगवान राम देखो विपत्ति आई, विपत्ति आई, लेकिन भगवान ने क्या किया, सीता को उन्होंने सीता को उन्हें त्याग दिया है, लेकिन उसी समय भी स्थिर अवस्था में रहे, क्यों, भगवान राम जो करेंगे दुनिया भविष्य के लिए प्रभु राम का आदर्श रूप में स्वीकार करेगा, ठीक है ना। इसलिए जीवन में जो अवस्था आती है उसी अवस्था को ठीक से मेंटेन करो, फिर तुम्हारे जीवन मंगल मंगलमय, तुम्हारे जीवन फिर मंगल मंगल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसलिए यहाँ पर कहते हैं, हाँ देखो, कहते मुक्ति में कितना आनंद है, कहते ये संसार में जितने सुख है, संसार में जितना आनंद है, इससे 100 गुणों आनंद है स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में जितना आनंद है उससे 100 गुण मोहलोक में,
मोहलोक में जितना आनंद है 100 गुण उसको तपलोक में, तपलोक में जितना आनंद है उसे 100 गुण ब्रह्मलोक में। ये 100-100 गुण बढ़ते जाती है, हैं बढ़ते। लेकिन जो ब्रह्मलोक में जो आनंद है ना, जो आनंद की कोई सीमा नहीं आनंद की। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ये जो ब्रह्मानंद है, लेकिन जो भक्ति का जो आनंद है ना, उदाहरण देते कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु, कहते करोड़ ऐसे ब्रह्मानंद मिला करके भी भक्ति में जो आनंद है ना, इसको कोई बराबर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर बैठे हो, जैसे बैठे हम भगवान की कथाएं तो सुन रहे हैं ना, लेकिन आनंद आ रही कि नहीं मन में? आनंद आ रही, लेकिन अभी हम इधर कोई भक्ति भक्ति नहीं है, भक्ति का भाव ही हमारे अंदर में नहीं है, लेकिन तब भी प्रभु का कथा सुन करके हम खुश रहते हैं, भगवान की कीर्तन सुन करके हम आनंद, हम जीवन में आनंद मिलता है भगवान की। लेकिन सचमुच से जब भक्ति मिलेगी ना, फिर तो जो सोच नहीं सकते क्या दिव्य आनंद की प्राप्त होने वाले, जो भी सोच भी नहीं सकते कभी है। इसलिए कहते हैं सांद्र नांद, और जो उसमें कद ये हो गया क्या है, कद पूरा मोक्ष उसको सब तुच्छ हो जाती भक्ति को सामने। लेकिन जब प्रेमावस्था होता है ना, जब ठाकुर को सचमुच से जब मिल जाए, उसका भी उन्होंने 2 लक्षण बताए क्या है, सांदर नंदा विशेष आत्मा श्री कृष्णा कर्षण जैसा। जैसे दूध को गर्म करते 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 राबड़ी बन जाती, राबड़ी में कितना स्वाद आता है, खाए कि नहीं राबड़ी सब? कौन कौन राबड़ी खाए? सब खाए अब, इसलिए राबड़ी में कितना आनंद आता है। कहते जो भक्ति है ना, ये भक्ति कैसे, बोले प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, एक आनंद। जैसे संसार में देखना, जब प्रेम अवस्था, जब भगवत प्राप्ति कृष्ण दर्शन होता है, उस समय का अवस्था बता रहे हैं। अगर कभी सौभाग्य में वो जीवन में कभी आए तो भगवान का आशीर्वाद हमें हो तो फिर पता चलेगा। कहते प्रतिपद पद में एक एक नई नई आनंद, नई नई आनंद। जगत का आनंद लिमिटेड है, हर चीज आम खाते खाते क्या होता है, ज्यादा रसगुल्ला खाओ तो उल्टी हो जाएगी फिर है, इसलिए ज्यादा राबड़ी खाओ तो आनंद है, लेकिन ज्यादा खाओ तो क्या उल्टी हो जाएगी, इसलिए ये इंद्रिय लिमिटेड है। लेकिन जब भक्ति प्राप्ति होगी ना, इतने आनंद समुद्र में डूब जाए उसको पता नहीं चलेगा है। और श्री कृष्ण कर्षण चसा, जैसे फूल खिलने पर ये फूल भौंरा के पास है नहीं, ये भौंरा स्वयं उसको सौरभ में, उसको सुगंध में आकर्षित होकर के आकर के मधुरस को वो पान करता है फूलों को। उसी समय में हमें कृष्ण के पास में जाने का जरूरत नहीं, कृष्ण हमारे पास में आएंगे। इसलिए कृष्ण गोपियों घर में रोज रोज जाते थे ना, कृष्ण रोज रोज जाते थे गोपियों घर मक्खन चुराने के लिए, लेकिन गोपियां कृष्ण के पास में नहीं आती थी, कृष्ण गोपियों के पास में जाते थे। इसलिए अगर हृदय में भक्ति आएगी तो ठाकुर जी स्वयं हमारे पास में ठाकुर जी आएंगे। इसलिए बोले ये भक्ति लता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसमें रोज रोज पानी देने का जरूरत है। पानी मतलब होता है साधु संग, ही ये पानी के काम करता है, हैं? तब यहाँ पर बताए जब हम साधन अवस्था करते हैं उसमें अलग अलग कुछ लक्षण देखने को मिलता है। क्या है पहले वहां पर बताए, पहला जो है उत्साहमयी। उत्साहमयी मतलब जैसे जब पहले पहले जब आप लोग आए भक्ति में कितना आनंद मिलता था, रोज रोज आते थे हरि नाम। कोई कोई सोचे हम तो रोज रोज क्या करेंगे, 1-1 लाख हरि नाम करेंगे, रोज मंदिर में आएंगे, रोज साधु संग करेंगे, रोज भजन करेंगे। पहले जो अवस्था जिसको कहते उत्साहमयी, जैसे किसी बच्चे को पहले स्कूल भेजो ना, जब ABCD लिखता है धीरे धीरे, कहता है अरे एक दिन तो मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, नहीं तो हम CA बनूंगा, नहीं तो हम इंजीनियर बनूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, इतना होगा इतना होगा, पहले बैठता है। लेकिन कभी कभी पढ़ते पढ़ते कभी कभी जब थोड़ा कठिनाई आ जाए ना, जैसे कोई अक्षर लिखने के लिए जाए, पढ़ने के लिए जाए, ठीक से नहीं पढ़ पाए अक्षर नहीं, अगर उस समय अगर टीचर थोड़ा डांट लगा देता है ना उसको, बोले ऐसे नहीं तुमने मार्क कम लाए, पढ़ाई नहीं किया ठीक से, अगर थोड़ा डांट फांट लगा देते ना, फिर उसको जो पढ़ाई ना थोड़ी उसमें शिथिलता आ जाती है, पढ़ाई में उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। इसलिए पहले तो बड़े उत्साह आता है, भक्ति में भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम ऐसे करेंगे, इतने हरिनाम करेंगे, वो करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद में जा करके भक्ति क्या होता है, बोले जो घन ये तरल अवस्था हो जाता है, घन मतलब गाढ़ा, वो कभी कभी तरल हो जाता है, तरल मतलब होता है फिर भगवान के भजन में मन नहीं लगता, हरिनाम करने की इच्छा नहीं करता है, फिर मंदिर में आने की इच्छा नहीं करती, फिर भक्ति भक्ति धीरे 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 घटती जाती है। इसको उसको कहते हैं घन तरला है, इसलिए उत्साहमय घन तरल, नियम क्षमा
फिर इसको बाद में क्या होता है, कहीं कहीं हम कभी कभी करते ना, हम रोजाना 1,00,000 हरिनाम करेंगे। कितना हरिनाम करेंगे? 1,00,000। कोई बोलता है 1,00,000, कोई सोचता है 50,000, कोई बोलता है हम कितना, हम रोज जरूर 16 माला जरूर करेंगे, हम इतना करेंगे, और रोज सवेरे उठेंगे, गीता पढ़ेंगे, नहीं तो मंगला आरती में जाएंगे, हैं, मंगला आरती में जाएंगे, साधु संग करने के लिए हरि कथा सुनने जाएंगे। कभी कभी साधक पहले अवस्था में ना बड़ी उन्होंने प्रतिज्ञा लेता है, रोज हम मंगला आरती में जाना है, भले जितने ठंडा जितने गर्मी हो हम जरूर मंगला आरती में हम जाएंगे, कुछ भी हो जाए मंगला आरती में जाएंगे, कथा सुनेंगे, और कथा सुन करके फिर घर में आकर के अपना काम काज काम को करेंगे और रोज मंदिर में आएंगे। लेकिन एक कभी कभी किया हो जाता है, जो नियम है ना उसको अक्षम होने लग जाता है, जो माला जो उसने प्रतिज्ञा किया था 1,00,000 माला करूंगा, कभी कभी 1,00,000 से कभी 50,000 में उतर आता है, 50,000 में उतर कर कभी कभी 16 माला में आ जाती है, कभी वो 16 माला भी ठीक से नहीं कर पाती, कभी कभी 16 माला भी उसके 16 माला भी पूरी नहीं होता है, हैं? इसलिए कहते रोज मंदिर में जाएंगे, कभी कभी बस महीना महीना तक मंदिर में नहीं आए, ठाकुर को दर्शन कहीं कथा में सुनने नहीं आए, हैं? इसलिए कभी कभी साधन भजन में शिथिलता हो जाती है, इसलिए उसको बताया नियम अक्षमा। बोले नियम में जब ये अक्षम हो जाता है, माला करने के लिए अक्षम हो जाता है, हैं? इसलिए कभी कभी पहले पहले जब मंदिर में कोई आता है ना, आप घर में भी वो मंदिर हो, नहीं हम दोपहर में सोएंगे नहीं, पूरी माला को बैठ करके हरिनाम करेंगे और इतने भजन साधन करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे करते करते ना, कभी कभी जब तबीयत थोड़ी खराब हो जाता है ना, फिर जो थोड़ी बहुत किया हुआ वो भी उसकी छूट जाती है, उसकी वो छूट जाती है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं नहीं, कुछ जीवन में नियम को लो, जीवन में जरूर कुछ नियम को लो। अगला मंगल आरती में कितना बजे मंगल आरती होती है? 5:30 बजे आरती, हाँ दिन निकल जाती है, अगर तो दिन निकलना भी फिर लेट भी होता है, इसलिए इसलिए अगर जो आ सके, पहले बताया था ना मंगल आरती दर्शन करने से उसका कभी अमंगल होता नहीं, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, कहते ना शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत प्रति, जब सबसे पहले ठाकुर जी की पर्दा खुलता है, सामने पीछे सामने जो खड़े हुए होते हैं ना, ठाकुर जी का जो नजर है वो पूरा के पूरा जो सामने खड़े हुए होते हैं उसके ऊपर में ये पूरा के पूरा नजर पड़ता है, कृपा दृष्टि उसके ऊपर में ठाकुर जी की पूरी कृपा दृष्टि होती है, इसलिए मंगला दर्शन करने का बड़ा महत्व है। इसलिए हो सके जिन जिन उनका घर में पास में जैसे मंगला आरती में आए, उसके बाद में जैसे प्रभु जी थोड़ी सी कथा सुनाते हैं, जैसे थोड़ी सी कथा सुनो, कथा सुनकर अब देखो इतना काम करके जाओ, इतना काम करके जाओ ना, जैसे घड़ी होता है ना, घड़ी में जैसे चार्ज देते हैं, पहले क्या होता था उसमें घड़ी में चार्ज देते थे, फिर वो चाबी भरते थे, वो 24 घंटा चलता था, फिर दूसरे दिन फिर चाबी भरते थे, ये जो साधु संघ है ना वो चाबी भरने का काम होता है। अब स्वयं देख लो, अगर 1 घंटा भी आप मंदिर में आओगे, फिर आरती और कथा सुनकर गए ना, आपकी हरिनाम में कभी शिथिलता नहीं आएगी, साधन भजन में कभी शिथिलता कभी नहीं आएगी, क्यों? आप उसमें पानी दे रहे हो, गमला में तो पौधा लगाया लेकिन आप उसमें पानी दे रहे हो, पानी देने का वजह से वो कभी मुरझाएगा नहीं, इसका मतलब है भक्ति में कभी निरुत्साहित नहीं आएगी तुम्हारी, भक्ति में तुम्हें उत्साह आएगी, हरि नाम करोगे, भगवान की आरती करोगे, हाँ थोड़ा भजन साधन करोगे, भक्ति करोगे, इसमें कभी निरुत्साहित जिंदगी कभी नहीं होगी, थोड़ी समय अगर कथा अगर सुनकर जाओगे तो है, इसलिए बोले साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि, इसलिए साधु संग के बगैर जीव का कोई कल्याण है ही नहीं, इसलिए बोले बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, इसलिए साधु संग की बड़ी महत्व है, इसलिए बोले नित्यम भागवत से भैया नित्य करनी चाहिए, ठीक है, इसलिए कहते नियम खमा बड़े बिढ़ा विकल्पा तरंग रंगिणी है, इसलिए उसको कभी 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 भक्ति में ऊपर जाती है, कभी नीचे आता है, कभी कभी विषय संग्राम, विषय में संग्राम करता है, क्या संग्राम करता है, कभी विषय उसको हरा देता है, ये कभी विषय को हरा देता है, मतलब क्या है, कभी कभी जब मंदिर में कोई ब्रह्मचारी आए, पहले सोचता नहीं शादी वादी कुछ नहीं करेंगे, बगैर शादी के हम जीवन भजन करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद में ना
फिर उसका जो संकल्प विकल्प बोलने कहते हैं, कहते भैया भागवत में तो अम्बरीश महाराज भी शादी किए, प्रहलाद भी तो दिखाई देते शादी किए है ना, ध्रुव महाराज भी तो शादी किए, ये तो सबके सब गृहस्थ में थे, श्रीवास पंडित अद्वैत आचार्य जी सबके सब गृहस्थ में थे, ये लोग तो घर में रह करके भी तो भजन किया। फिर सोचता है शास्त्र बोले नहीं, जो माया है ना जैसे कुआ होता है ऊपर में घास बिछा हुआ है, घास बिछा हुआ लेकिन पता नहीं चलता कुआ, लेकिन इसको अंदर में आए तो झट उसके अंदर में गिर जाते हैं। अगर वो कोई गिर गया ना, कहते ये ऐसे एक बिल, जिस बिल में एक बार चले जाए फंस जाओ तो निकलने का कभी रास्ता तुमको मिलेगी नहीं। इसलिए नहीं, हम एकदम कुछ नहीं करते हुए दृढ़ पूर्वक भगवान की भजन करेंगे, उसके हृदय में तरह तरह का संकल्प विकल्प तरह तरह का होने लग जाते, क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन ये सब विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने सब बात बताए, ये सभी का जीवन में आएगा, एक का जीवन में नहीं, किसलिए ये बात बता रहे, सबका जीवन में सब आएगा, आता है। लेकिन मेरे गुरु जी कहते थे जब पहले मंदिर में आते हैं उसी समय में तुम्हारी जो उत्साह है, जिस उत्साह को लेकर के आए थे, गुरु जी कहते अगर तुम्हारी 10% रह गया ना, 100% में कितना रह गया, अगर 10% भी रह गया ना, ये जीवन तुम्हारे धन्य हो जाएगा, गुरु जी धन्य हो जाएगी जीवन में। लेकिन वो 10% नहीं, उसको उतरते नीचे नहीं आनी चाहिए, एक दिन ऐसे नहीं आना चाहिए कंठी तिलक माला छूट गई, भजन हरिनाम छूट गया, ये नहीं होनी चाहिए। गुरु जी कहते थे ये नहीं होनी चाहिए, कम से कम 10% तक में रह करके उसको साधन भजन को जितना तुम्हारी जीवन में, देखो मेरे गुरु जी कहते थे एक जीवन में जो तिलक लगाते हो, अगर जिंदगी भर तिलक लगाते रहे, गले से कभी कंठी नहीं उतारोगे, जो माला करती हो माला करते रहोगे, माला करते रहोगे, अगर जो साधन भजन अगर इतना करते रहोगे, गुरु जी कहते थे ये साधु संघ में आते हो, गुरुदेव कहते ज्यादा कुछ ऊपर चढ़ने का कोई जरूरत नहीं, इतना अगर जीवन में कर लोगे ना, क्या होता है जैसे पत्थर के ऊपर में आप देखना, पत्थर के ऊपर में आप दाग काटते काटते काटते, पहले क्या होता था आप देखे होंगे, पहले कुएं से पानी भरते थे, जब कुएं से पानी भरते थे वो कुएं का जो चारों तरफ जो होता था ना, उस होता था पत्थर का और मिट्टी का कलश में पहले पानी भरते थे, आप देखना वो मिट्टी के पात्र रखते 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 रखते, अभी भी गांव में जाकर देखोगे बड़े सुंदर से गर्त हो जाते, उसमें बड़े सुंदर है कि सुंदर गड्ढा सा हो जाते जिसके ऊपर में कलश को रखते थे, वो ये पत्थर है और वो क्या है मिट्टी, मिट्टी की घड़ा, लेकिन मिट्टी की घड़ा रखते रखते एक दिन वहां पर क्या होता है, बड़े सुंदर रहने का एक सुंदर हाँ गड्ढा सा बन जाती है, समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर कथा सुन रहे हो भजन कर रहे हो हरिनाम करते, ये हृदय में तुम्हारी सब दाग खींच रहा है, अंदर में ऊपर से भले ही नहीं लगे ये कुछ तो नहीं हो, नहीं अंदर में ये तुम्हारी रेखा बात कर रही है, ये सब के सब तुम्हारे ऊपर संस्कार तुम्हारे ऊपर में पड़ रहा है। इसलिए तो कृष्ण गीता में कहते हैं बोले नेह विक्रम नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते मातृयात्, हे अर्जुन अगर मेरे लिए कोई थोड़ी सी भी करता है ना, उसको जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त कर लेता है, मुक्त कर लेता है। इसलिए जो बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम है, पत्र मतलब पत्ता फल फूल पानी, अगर कोई मेरे को थोड़ी भक्ति पूर्वक देता है उसको क्या होता है, मैं भक्ति पूर्वक अगर कोई दे उसको मैं ग्रहण करता हूँ। भगवान जो बोले मनमना भव, क्या करो ये मन ठाकुर को दो, अगर इतना नहीं हो बोले मत भक्त भव तो मेरा भक्त बनो, अगर मेरा भक्त नहीं हो सके तो माम मब जाजी मेरी पूजा करो, अगर इतना नहीं भी जो मेरे को एक बार माम नमस्कारो मेरे को एक बार प्रणाम भी करता है उसका भी कल्याण हो जाता है, इतने ठाकुर जी भरसा देते हैं। इसलिए क्या करना, मेरे गुरु जी कहते थे एक जीवन भक्ति को छोड़ना नहीं, भले ही दुनिया छूट जाए लेकिन प्रभु की भक्ति हमारी नहीं छूटे, हरि नाम करो ठीक है, और कोशिश करो जैसे सवेरे आ सकते अच्छी नहीं तो शाम को कोशिश करो थोड़ी समय, यहाँ पर कितना समय में कथा कब होती है, कितना बजे कथा होती है, 6:30, इसलिए ऐसे नहीं करके 5:30 से 6:30 तक कथा कर लो, इसमें ना उसमें क्या होता है जैसे हमारे हर मंदिर में जैसे अभी अंधकार है, अंधकार है अंधकार में क्या होता है, अभी ठंडी का समय आ गया फिर लोग फिर अपना घर में जाएंगे, इसलिए 5:30 से 6:30 तक कथा होगी, उसके बाद आरत में जो रहे रहे नहीं तो जो जाए वो चली जाए, दिन दिन में क्या होगा वो घर में दिन दिन में पहुंच जाएंगे, घर में चले जाएंगे, इसलिए
नियम को बदला करके ऐसे समय पर रख दे सब अपना समय से थोड़ी आ सके, थोड़ी सी कथा सुने और थोड़ी कथा सुनकर अपना घर में जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग साढ़े सात भी तो बहुत समय, अभी ठंडा का समय आएगा ना, ठंडा भी बहुत ये होता है, ठंडे में भी साढ़े सात बहुत भी हो जाता है ना, बहुत हो जाता नहीं। इसलिए जल्दी से साढ़े छः बजे चली जाए, हैं साढ़े छः बजे चली जाए तो अच्छी बात है, इसको उसको आरती करके खत्म कर देना, ठीक है। हाँ बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। अभी आठ बजने जा रहे हैं, आप लोगों को जाने में कष्ट होगा, इसलिए हम कथा को जल्दी जल्दी विश्राम कर देते हैं। अभी आपको प्रसाद मिलेगा, एक अच्छे भजन सुन लो, गौर सुंदर इधर आ जा, एक ब्रज का कोई बढ़िया भजन सुना दो, इधर आ जाओ जल्दी आ जाओ। और हमारे जो कथा है, जो यहाँ पर भागवत कथा होने जा रही है, कितने तारीख से प्रभु जी? हाँ 5 जनवरी से ये कथा है। हाँ इसलिए उस समय हम कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे और जो वैष्णव है ना उनको बुलाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं तो कथा सुनाता हूँ, हम चाहते तो आपको कुछ नई चीज मिले, और उसमें गुरुदेव का भी जो कथा हम कोशिश करेंगे, 2 दिन गुरु जी के विषय पर भागवत कथा में 2 दिन गुरु जी की कथा होगी, क्योंकि शतवार्षिक उपलक्ष्य है गुरु जी की, ठीक है। और जो लास्ट का जो दिन 12 तारीख को हम उसी दिन जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेंगे, ठीक है। अभी अभी सरकार का आदेश आता है कि नहीं देखना पड़ेगा, नहीं इसलिए अच्छा उसी समय में मुझे लगता है बहुत ठंडी होगी ना, उस समय ज्यादा ठंडी होगी नहीं होगी, वहाँ पर है ना। हाँ अभी अभी हम कोशिश हम बैठ कर बात करेंगे, अगर आप लोग इच्छा हो अगर थोड़ा आगे और बढ़ाने के लिए अगर बोलोगे, जैसे फरवरी से पहले से फरवरी की, हाँ 26 जनवरी के बाद में, ओ तभी तो ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है, फिर जल्दी हो जाए, ठीक है ठीक है ठीक है। इधर आ जाओ और एक माइक ले लो, राहुल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, हो सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगी यह बरसाने वाली, बजाओ बजाओ, तालियों की तो आवाज आनी रही, सभी जोर से ताली बजाते हुए कीर्तन करो, बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ। बजाओ राधा नाम की।
मुझसे बुढ़ापे में और माताएं सारी बैठी है, एक भी उठ के नाच नहीं रही, क्या चक्कर है? खड़े हो जाओ सारे, खड़े हो जाओ एक बार। बोलो श्रीमती राधा रानी की। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ओ मेशरी सो मीठो नाम हमारी राधा
आज के आनंद की प्रसाद के लिए सब लाइन।